नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर पर सियासत से जुड़ी ये खबर, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण को ठुकरा दिया है। अखिलेश यादव अब तक कह रहे थे कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन जब वीएचपी ने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया तो उन्होंने इस निमंत्रण को आज स्वीकार कर दिया। बताया जा रहा है कि वीएचपी की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण देने के लिए आलोक कुमार नामक व्यक्ति गए थे, लेकिन अखिलेश ने निमंत्रण लेने से मना कर दिया कि जो आए हैं उनको मैं नहीं जानता हूं, तो निमंत्रण मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो देखिए, अखिलेश यादव अब से पहले ये कहते रहे कि आमंत्रण आएगा तो जाएंगे, अभी तक तो आया नहीं है। उनकी पत्नी ये कहती रही कि निमंत्रण आया तो जाएंगे, नहीं आया तो बाद में चले जाएंगे। लेकिन अब जब निमंत्रण आया तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि जो निमंत्रण पत्र लेकर आया मैं तो जानता ही नहीं हूं, इसीलिए मैं अब जो है इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करूंगा। वीएचपी के नेता हैं आलोक कुमार, वो इस निमंत्रण पत्र को लेकर जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को यह निमंत्रण पत्र सही नहीं लगता है, क्योंकि ये आलोक कुमार लाए। उनके मुताबिक कोई जानने वाला व्यक्ति लाना चाहिए था। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन्हें हम जानते नहीं उन्हें निमंत्रण नहीं देते हैं, और ये मैं आपको दिखाती हूं कि उन्होंने क्या कहा। क्या कहते हैं वो, जिन्हें हम नहीं जानते नहीं है उन्हें निमंत्रण नहीं देते और ना ही उनसे कोई निमंत्रण लेते हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, और इसके जरिए वो ये कह रहे हैं कि जिन्हें हम जानते हैं उनको निमंत्रण देते, यानी कि आलोक कुमार लेकर आए, ना मैं उनको जानता हूं इसीलिए मैं उनसे निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। तो देखिए, सियासत जोरों पर है राम मंदिर कार्यक्रम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर। विपक्षी पार्टियों को भी निमंत्रण जा रहा है, कांग्रेस को भी निमंत्रण गया, लेकिन अखिलेश यादव को जब निमंत्रण गया तो उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। वोट की घटिया राजनीति करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उनका राजनीतिक कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भविष्य हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनकी परवाह नहीं है, उनको भगवान से प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दें, उनका दिमाग ठीक हो, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो अपना कोई डॉक्टर से इलाज कराएं। हम तो यही भगवान से चाहेंगे कि अपना ठीक हो जाएं। और इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का दिमाग सही नहीं चल रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि ये कमल के फूल का मंदिर है या बीजेपी का मंदिर है। तो मतलब कल तक जो अखिलेश यादव अपने हर बयान में आमंत्रण का जिक्र कर रहे थे, आज उन्हें वही आमंत्रण स्वीकार नहीं है। इसे लेकर वीएचपी ने भी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। वीएचपी के आलोक कुमार ने कहा कि बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों को निमंत्रण दिया गया क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे थे कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, तो अब वो उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं, और अगर नहीं बुलाते तो जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते कि वो आए। क्योंकि हमने तय किया कि सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को बुलाना, पर मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो फिर वहाँ की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते।